डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। उत्तर प्रदेश में चोरी और डकैती के साथ साथ गन पॉइंट पर लेकर लूट के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रयागराज में सामने आया है, जहां बीच शहर बाइक सवार सशस्त्र नकाबपोश 3 लुटेरों ने बुधवार की शाम दुस्साहिक वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि प्रयागराज के मनमोहन पार्क गुलाटी मार्ग पर सरिये की दो बड़ी दुकानें हैं, जहां बाइक सवार बदमाश सबसे पहले अशोक नगर निवासी ललित मोहन गुप्ता की लक्ष्मी ट्रेनिंग कंपनी पहुंचे और वहां से 5,000 रुपए मिलने के बाद बदमाश बगल में ही चौधराना आयरन ट्रेडर्स कंपनी में धावा बोल दिया। कंपनी के मालिक RP गुप्ता घर पर थे। प्रतिष्ठान में केबिन के अंदर उनका पोता मणि गुप्ता कैश काउंटर पर बैठा हुआ था। बेटा अंशु गुप्ता काउंटर के साथ शिवकुटी महावीरपुरी निवासी सत्य प्रकाश मिश्रा व कर्मचारी आनंद कुमार, प्रतीक और ब्रजेश कुमार निवासी पूरा मुफ्ती निजामपुर मौजूद थे। पिस्टल और तमंचे के बल पर दो दुकानों से 6,05,000 रुपए लूट कर बदमाश भाग गए। इस सनसनीखेज वारदात की खबर से आसपास में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही फोर्स के साथ SSP, SPCT, CO कर्नल गंज मौके पर पहुंचे। देर रात तक पुलिस व अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे रहे। देखने वाली बात यह है कि चौराहे पर शाम के वक्त पिकेट ड्यूटी पर रहने वाली पुलिस का भी लुटेरों को कोई खौफ नहीं था। पैसे लेकर बदमाश दुकान से भाग गए, लेकिन गनीमत यह रही कि उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।